सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। संदीप, रोहित, आनंद, सुरभि, गणेश, उज्जवल, संदीप, चलिए जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे आज। आज कुछ हम लोग अच्छे कंसेप्ट और न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। आज कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे कंसेप्ट पे हम लोग वर्क करेंगे। आज प्लेन मिरर का होगा, ठीक है। प्लेन मिरर आपको बैच में भी बताया गया था, और बस जहां तक हमने बैच में ड्रॉप किया है वहां से लेवल को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जहां तक आपको बताया गया था वहां से लेवल को अप करेंगे। तो जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कर है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही जरूरी है, उनके लिए बहुत एसेंशियल क्लास है, उन्हें है ना ये बहुत काम देगा उन्हें। चलो सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब आते हैं कुछ कंसेप्ट पर, ठीक है। जहां तक आपको बताया गया है मेन बैच में, उम्मीद करते हैं वहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां तक आपको बताया गया है वहां तक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज हम वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए बाबू, प्लेन मिरर नाम सुने हो आप? आपने इसका नाम सुना होगा, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, क्लियर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी रे को मिरर पर इंसिडेंस करवाएगा, मिरर पर इंसिडेंस करवाएगा, और वो मिरर एक्स वाई प्लेन में हो, मिरर कौन सा प्लेन हो? एक्स वाई प्लेन हो, मिरर का प्लेन एक्स वाई हो, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? क्लियर, ध्यान दीजिएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मिरर, क्या है ये मिरर? तो मिरर है तो ये एक्स वाई प्लेन है ना आपका, क्या है ये एक्स वाई प्लेन है। तो मान लो कोई भी प्लेन आप मान सकते हो, जरूरी नहीं कि एक्स वाई, वाई जेड प्लेन भी मिरर हो सकता है, एक्स जेड प्लेन भी मिरर हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो फिगर बनाते हैं वहां ये दिखाते हैं। देखो ये जो बुक वगैरह में होता है, चाहे हम लोग क्लास में बनाते हैं या आप भी कॉपी पे बनाते हो, तो मिरर को ऐसे दिखाते हैं। क्या मिरर एक लाइन होता है? नहीं, मिरर एक प्लेन होता है, मिरर एक प्लेन होता है, क्लियर, मिरर एक प्लेन होता है, क्लियर। तो मिरर एक प्लेन है आपका, तो मान लीजिए कि ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, मिरर कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। और यहां पर आप रे को इंसिडेंस करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? रे को इंसिडेंस करवा रहे हो, क्लियर। वो इंसिडेंट रे दिया रहेगा आपको, वो इंसिडेंट रे आपको दिया रहेगा,
और आपसे पूछेगा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इंसिडेंट रे दिया रहेगा, मिरर का प्लेन दिया रहेगा और आपसे पूछता है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलो कॉपी उठाओ और नोट करोगे। पहले समझ लो तब नोट करना, कोई जरूरी नहीं है। पहले समझ लो तब नोट करोगे, है ना। कहता है इफ एन इंसिडेंट रे, इफ एन इंसिडेंट रे आई इक्वल टू एक्स आई बाई जे जेड के। क्लियर? इज इंसिडेंट, इज इंसिडेंट ऑन एक्स जेड प्लेन ऑफ मिरर। एक्स जेड प्लेन ऑफ मिरर, कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। देन, देन रिफ्लेक्टेड, देन रिफ्लेक्टेड रे, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी, विल बी आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, विल बी आर इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, कौन सा रे है ये बताइए तो? इंसिडेंट रे है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कहां इंसिडेंस करवाया गया? तो सॉरी, यहां एक्स वाई प्लेन कर दो, ऐसे एक्स जेड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर दो एक्स वाई प्लेन। कहां? एक्स वाई प्लेन पर। हमने बताया प्लेन कुछ भी हो सकता है, वो एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है और जेड एक्स भी हो सकता है, यानी प्लेन ऑफ मिरर कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलो तो इसका पूछता है रिफ्लेक्टेड रे, इसका क्वेश्चन भी देंगे हम थोड़ी देर में। पहले थ्योरी समझ लो फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं, और न्यूमेरिकल बनेगा तो बनेगा, बस कंसेप्ट क्लियर करो। तो आपका ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? मिरर। एक्स वाई क्या है? मिरर। आपसे पूछिएगा क्या? तो रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। बाबू ध्यान देना, बाबू ध्यान देना, जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल है, जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्लियर? चलो, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसमें माइनस लग जाता है। ये कंसेप्ट है, यानी जो पैरेलल होगा मिरर का उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जो मिरर के परपेंडिकुलर होगा उसमें माइनस लगेगा। तो बताओ, गौर से देखना, गौर से देखना, ये आपका इंसिडेंट रे है। मिरर कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। मिरर कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। मतलब ना एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होगा ना वाई कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होगा, चेंजिंग किस में होगा? तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर, और एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन होता है? तो जेड होता है। कौन होता है? जेड। इसका मतलब होगा आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड के। यस, यही कंसेप्ट है। यानी जो कोऑर्डिनेट
मिरर के पर पैरेलल है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसमें माइनस लग जाएगा। क्या लगेगा? माइनस। जल्दी से देखो, नोट कीजिए इसको, जल्दी से इसे नोट करें, एक न्यूमेरिकल देने वाले हैं। जल्दी से नोट करो, है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल देते हैं, आप न्यूमेरिकल बना लेना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट करो, फिर बाद में आप छोड़ दोगे हमें पता है, ठीक है। चलो हो गया ना, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है कि जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट मिरर के परपेंडिकुलर होता है वो आपका माइनस होगा। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल चलिए क्वेश्चन नंबर वन जल्दी से बनाइए, तो क्वेश्चन नंबर वन जल्दी से बनाइए, जो अभी कंसेप्ट दिया गया है उसी से बनेगा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, अभी जो कंसेप्ट दिया गया है उसी से ये क्वेश्चन बनेगा, जल्दी से बताइए। चलो क्या कर रहा है, गौर से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को गौर से देखना, कहना क्या चाहता है कि इफ प्लेन ऑफ मिरर, इफ प्लेन ऑफ मिरर इफ एक्स, है ना, एक्स जेड, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, क्लियर।
और एक्सजेड प्लेन है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना एक्स कोऑर्डिनेट में होगा ना जेड कोऑर्डिनेट में होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और देखो इंसिडेंट रे इज, तो आई कितना दिया है, गौर से देखो आई कितना दिया है, 4i + 3j + 5k दिया है ना। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। और मिरर कौन सा प्लेन है, एक्सजेड, ना एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा ना जेड कोऑर्डिनेट बदलेगा, बदलेगा कौन, बाई। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, तो 4i + 5j, ये तो फिक्स रहेगा ना, बचेगा ये -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अभी बताए थे कि जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होता है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है, क्या होता है, बदलाव नहीं होता है, और जो मिरर के परपेंडिकुलर होगा उसमें माइनस लग जाएगा। तो यहां देखो ये कौन सा प्लेन है, एक्सजेड, ना एक्स बदला ना जेड बदला, बदलेगा कौन, तो 3, तो वो 3 क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में, तो इसका आंसर होगा ये। चलिए डॉट है कि नहीं, को सूरज सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट है कि नहीं, को चलिए बढ़ा जाए, बढ़ा जाए बाबू, ठीक है चलो। अभिनव राज वंस मोर बाबू, यहाँ पे बताया ना, आप वीडियो फिर से देख सकते हो, आपका सिग्नल छोड़ रहा था तो आपको दिक्कत हुआ होगा। हमने बताया जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन जो आपका मिरर के परपेंडिकुलर होता है उसमें माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है, माइनस, बस इतना ही तो करना था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये छोटा सा कंसेप्ट में कितना टाइम देंगे, अगर आपको डाउट है तो एक बार जैसे ही वीडियो समाप्त होगा फिर से देख लेना, 100% समझ में आएगा इसकी गारंटी है। अगर बाय चांस नहीं समझ में आया ऑफिस में आके मिल लेना, ठीक है। चलिए आगे भी देखना है, बहुत कंसेप्ट है। देखो अब कंसेप्ट देने जा रहे हैं, अब जो कंसेप्ट है जो कल दिए थे, कंसेप्ट यहां कहता क्या है कि मान लो ये मिरर है, देखो अब लेट से बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो बीच में ज्वाइन करेगा, हम पहले ही बोले थे क्लास में कि भाई टाइमली आप आ जाओगे, बीच में छूटेगा, बीच में जुड़ोगे बॉन्स मारेगा, बाद में बोलोगे समझ में नहीं आता और हम क्या करेंगे। अभी डेली बच्चा भी ऐड हो रहा है ग्रुप में, अब कंसेप्ट देंगे ऐड होगा, फायदा उसको तो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है, और एक ही कंसेप्ट को लेकर बैठेंगे तो फायदा हमारा नहीं है, क्योंकि हम एक घंटा समय दे और एक चीज सिखाएं आपको, ठीक है, तो टाइम पे जुड़िए। देखो यहां पर कल हमने एक पॉइंट और दिया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कल हम खुद सेटिस्फाइड नहीं थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रहा था आपका, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये मिरर है, तो मिरर बताए थे, मिरर कोई लाइन नहीं होता है, मिरर एक प्लेन होता है, दिखाए भी थे, मिरर एक प्लेन होता है, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन हो, चाहे वो जेड एक्स प्लेन हो, चाहे एक्स वाई, चाहे वाई जेड,
चाहे जेड एफ, क्लियर। तो कहता है, तो कहता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बनता है भाई, बनता है ना। आपको पता है कि जितना डिस्टेंस ये है, क्लास में बताए थे एक्स ओ एफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसको कहते हैं एक्स आई एम, एक्स आई एम पोजिशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। बस गौर से देखना, कंटिन्यू देखना, समझ में आएगा तो आएगा, ठीक है। बस ध्यान दोगे तब समझ में आएगा, गैप मारोगे। अब भाई मोबाइल खोल के बैठे हो और एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता दो। आप 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो तो समझ में आएगा तो आएगा। चलो ध्यान, इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स आई एम इसको पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, किसका, इमेज का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। इसी ढंग से बताओ इसको क्या पढ़ोगे, है ना, इसको क्या पढ़ोगे, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यस या नो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में, तो मिरर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में, क्लियर। चलो और देखो, फिर बात वही बोलेंगे जो थोड़े देर पहले हमने बोला था, जो थोड़े देर पहले हमने बोला था कि जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होगा, जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होगा उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट मिरर के परपेंडिकुलर होगा, मिरर के परपेंडिकुलर होगा उसमें माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। देखो ना, ये जो है मिरर ऑब्जेक्ट, इसके लेफ्ट साइड, इमेज इसके राइट साइड, तो मिरर के एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, बस यही तो है। लेकिन बाई कोऑर्डिनेट देखो, बाई ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी बाई में कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्यों, आप पढ़े हो कि प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनता है, प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनता है उसका साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, तो बाई कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज हुआ, साइज सेम, दोनों का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, यानी ना वैल्यू बदला ना साइन बदला। इसी को कंसेप्ट कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो कोऑर्डिनेट मिरर के परपेंडिकुलर होता है उसमें माइनस लगता है। यहां देखो इसको क्या लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे आप, एक्स आई एम इज इक्वल टू कितना, यस या नो, लिखोगे एक्स आई एम इज इक्वल टू कितना, एक्स ओ एम, क्लियर। लेकिन बाई में क्या लिखोगे, बाई आई एम इज इक्वल टू कितना, क्लियर, जेड कोऑर्डिनेट, है ना। लेकिन ये भी कब, ये कब, जब प्लेन ऑफ मिरर कैसा हो, बाई जेड हो, कैसा हो, बाई जेड, बाई जेड होगा तभी तो बाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग किस में हुआ, एक्स में, किस में हुआ, एक्स में। ये हुआ आपका कंसेप्ट, जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो,
चलिए हो गया ना। अब देखो आगे बढ़ते बाबू, ठीक है, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार हम आपको बता रहे हैं यहां पे। चलिए अब देखो क्या आया था कंसेप्ट, अभी कंसेप्ट आया था ना एक्स आई एम इज इक्वल टू माइनस एक्स ओ एम आया था ना बाबू, और ये पोजीशन था ना, क्या था, पोजीशन था ना, और पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किए करते हैं तो वह वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्लियर, इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, और जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा, देखो तुम देखो कहीं रास्ते में मिला होगा आपको, है ना, कि पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये बताओ पोजीशन किसका, इमेज का, किसके रेस्पेक्ट में, तो मीटर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, मीटर। तो यहां बताओ यहां क्या आएगा, तो वेलोसिटी किसका, इमेज का, किसके रेस्पेक्ट में, मीटर के रेस्पेक्ट में, और किधर, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, याद करो, याद करो, देखो रास्ते में कहीं ये भी मिला होगा, देखो जान पहचान है, कहीं मिला था आपको कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी एक्स की ओर आता है, अगर बाई की ओर करेंगे तो बाई की ओर आएगा, तो बताओ ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स ना, कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स ना, तो वेलोसिटी किधर होगा, एक्स की ओर, क्लियर। चलो इसी ढंग से चलिए, ये हो गया कंसेप्ट, इसका डिटेल थोड़े देर में करेंगे, ठीक है। फिर देखो सीन्स क्या आया था बताओ, तो क्या आया था बताओ, तो वाई आई एम इज इक्वल टू कितना, वाई ओ एम, यानी इसमें किसी तरह का माइनस नहीं लगता है, किसी तरह का माइनस नहीं लगता है, बताए थे, क्योंकि ये मीटर के पैरेलल है, यानी जो कोऑर्डिनेट मीटर के पैरेलल होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, अरे कोई चीज हार्ड नहीं होता है, बस समझने वाला बच्चा चाहिए, समझाने वाला आदमी चाहिए। तो यहां देखो ये बाई कोऑर्डिनेट है और पोजीशन है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी देगा, कोऑर्डिनेट बाई की ओर है तो वेलोसिटी बाई की ओर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा ये बताओ, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये आएगा कि आपका जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, बाई की ओर, किधर होगा, यस या नो, क्लियर है, और देखो ठीक है, फिर तीन देखो, तो आया था जेड आई एम इज इक्वल टू, सॉरी आया था जेड ओ एम, यस या नो, आया था, इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा, कितना आएगा, तो वेलोसिटी आएगा ना, तो वेलोसिटी किधर आएगा, जेड की ओर, किधर आएगा, जेड। चलो इसको नोट करो, अब दो स्टेप और है उसके बाद न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट, जल्दी से नोट करो इसको,
जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम दो पॉइंट और है इसको देंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे भी कल मॉर्निंग में 7 से 8 और 8 से 9 बैच नहीं है ना, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी पढ़ाएंगे, आप सोएंगे लेट तक। हम देख लेंगे यहां से, क्योंकि सामने भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनका पेन रुकेगा, हम बढ़ा देंगे, इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लियर है। अब देखो लास्ट पॉइंट, यहां तक किसी को डाउट है जल्दी से बताओ, क्योंकि अब हम फाइनल स्टेप पे पहुंच रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट है? अगर यहां तक डाउट नहीं है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े देर बाद न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्लियर। देखो देखो न्यूमेरिकल, अब देखो कितना आया था ये बताओ तो, ये कब आ रहा है भाई, ध्यान रखना, 4 by 8 प्लेन ऑफ मिरर, ध्यान रखिएगा हम लोग मिरर का प्लेन क्या माने हैं, बाई जेट, कौन सा प्लेन माने हैं, बाई जेट, क्लियर है। चलो और देखो, तो बाई जेट प्लेन हमने माना है ना, तो यहां देखो आया कितना था, एक्स आई एम इज इक्वल टू सॉरी वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ एम, और ये किधर था, एक्स यू, किधर था, एक्स, आया था ना बाबू, क्लियर आया था ना। चलो अब देखो आगे, इसको ब्रेक करो, देखो यहां पे 11th का एक पॉइंट यूज होता है, वो पॉइंट हम बता रहे हैं, 11th का पॉइंट है रिलेटिव मोशन, कौन सा मोशन, रिलेटिव, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहले आप इसको पढ़ने के लिए सीख लो तब आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं बाबू, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो बताओ इसको क्या पढ़ोगे, आर फॉर रोहित शर्मा, डी फॉर धवन, बताओ क्या पढ़ोगे इसको, सो वेलोसिटी ऑफ रोहित शर्मा विथ रेस्पेक्ट टू धवन, विथ रेस्पेक्ट टू धवन, क्लियर। तो यहां ध्यान रखिएगा, अब पढ़ लोगे वेलोसिटी ऑफ रोहित शर्मा विथ रेस्पेक्ट टू धवन, क्लियर। और देखो ये पढ़ने का तरीका होगा, यहां बताओ ये ऐसे लिखा है ना, इसको क्या पढ़ोगे बताओ, इसको क्या पढ़ोगे, ठीक है, तो यहां पे पढ़ोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसी ढंग से बताओ इसको क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, क्लियर है। चलो अब फॉर्मूला देख लो, वी ए बी, यहां आगे कौन है, यहां आगे कौन है, ए ना,
तो आगे जो है वो आगे रहेगा माइनस भी बी। क्लियर? भी ए बी का फॉर्मूला भी ए माइनस भी बी। इलेवेंथ में पढ़ना है रिलेटिव मोशन। इसी ढंग से बताओ भी आई एम को क्या लिखोगे बताओ, भी आई माइनस भी एम, यस या नो? है ना? बताओ भी ओ एम को क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मीर। क्लियर है? ये 11th का पॉइंट है जिसका यूज यहां होने वाला है। चलो क्लियर हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, इसको क्या लिखोगे, तो वी आई अलोंग एक्स माइनस वी एम अलोंग एक्स बराबर, देखो यहां माइनस लग गया बाबू, क्या लग गया, माइनस। ठीक है, बस लास्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा माइनस। अब बताओ क्या होगा, तो इसको लिखोगे वी ओ अलोंग एक्स माइनस वी एम अलोंग एक्स, यस या नो? क्लियर है? चलो और देखो, इतना में किन्हीं को डाउट, यहां तक किन्हीं को डाउट? ठीक है, यहां देखो इसको लिखोगे, यहां गौर से देखो तो भी आई अलोंग एक्स, थोड़ा गौर से देखना, देखो तो ये आपका माइनस भी ओ अलोंग एक्स हो जाएगा, माइनस ले जाओगे, ये माइनस अंदर जाके क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, गौर से देखना, माइनस और ये माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, है ना? तो ये हो गया कितना, वी एम अलोंग, और एक चीज गौर करो, एकदम गौर से देखना, ये माइनस ये भी इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। चलो यहां हाइट भी लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स, यस या नो? क्लियर? और देखो यहां देखो वी एम अलोंग एक्स, वी एम अलोंग एक्स मतलब मिरर का वेलोसिटी एक्स की ओर, मिरर का वेलोसिटी एक्स की ओर। क्लियर है? चलो चलिए, अरे भाई यहां देखो ना, मैथ है, छोटा सा बेसिक मैथ है, गौर से देखो, ये ब्रेक करना है इसको, अंदर ले जाओ, ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसमें क्या समझना है, अब बना रहे हो आईडी का कंसेप्ट, छोटा सा कैलकुलेशन में फंसोगे तो दिक्कत है ना। ठीक है, चलो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और देखो ये माइनस इधर जाकर के प्लस, तो वी एम अलोंग एक्स वी एम अलोंग एक्स। अब लगता है कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसको लिखोगे आप बताओ जल्दी से, वी आई अलोंग एक्स बराबर माइनस वी ओ अलोंग एक्स प्लस टू वी एम अलोंग एक्स। क्लियर? अब आपको एकदम इससे भी छोटा चीज बताते हैं, ना हमको x से मतलब है, ना हमें y से मतलब है, ना हमें z से मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ना हमें x से मतलब है, ना हमें y से मतलब है, ना हमें z से मतलब है, हमें मतलब है तो मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, मिरर के परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने बताया कि अगर मिरर एक्स वाई होगा तो आपका वाई को जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाई जेड होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स जेड रहेगा तो बाई कोऑर्डिनेट चेंज रहेगा, तो फंस जाओगे आप, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो फंस जाओगे। तो एकदम सिंपल सा तरीका जो कभी आपको फर्स्ट नहीं देगा, है ना? इसी ढंग से जब पीटीपी में आ गए तो कभी फंसोगे नहीं, समझ गए? देखो यहां पर क्या होगा, यहां देखो इसको लिखते हैं शॉर्टकट, ये सब जगह वैलिड होगा, जैसे कहते ना सदाबहार, बताते ना एमजी को सदाबहार, लगेगा तो लगेगा और हमेशा नीचे लगेगा, उसी ढंग से चाहे प्लेन ऑफ मिरर एक्स वाई हो,
चाहे बाईजेड हो, चाहे जेड एक्स हो, नो मैटर सीधे याद रखना कि उसका जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो कितना होगा, परपेंडिकुलर। बस यही आपको ट्रिक काम देगा, ये ट्रिक काम देगा न्यूमेरिकल बनाने में। जल्दी से नोट करो, चलिए हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मिरर का प्लेन यहां क्या माने, बाईजेड का परपेंडिकुलर कौन होता है, कौन होता है, एक्स का है। हाँ, मेरा कहना है कि जरूरी नहीं है कि मिरर का प्लेन बाईजेड हो, क्वेश्चन में तो एक्स वाई भी दे सकता है, क्वेश्चन में एक्स जेड भी दे सकता है। तो सीधे याद रखना कि मिरर का जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर और मिरर का परपेंडिकुलर का कितना, 2 टाइम। जब क्वेश्चन देंगे 100% समझ में आएगा। ये देखो ये आपका आया ना समझ में, तो ये क्या है, ये जो आया है वो हम कब आया, जब मिरर जो माने हैं वो बाईजेड माने। लेकिन क्या जरूरी है कि मिरर का प्लेन बाईजेड हो, नहीं जरूरी है। तो वहां पे एक्स वाई भी हो सकता है और बाईजेड भी हो सकता है। तो सीधे ये याद रखना कि जो मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इतना होगा। क्वेश्चन देंगे हाँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं भाई, यहां पे एक आया था ये, आया था ना, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा था ये देखो, तो वी आई अलोंग बाई वी एम अलोंग बाई बराबर कितना, वी ओ अलोंग बाई माइनस वी एम अलोंग। लगता है कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, कट गया, और कट गया तो बचा कितना, वी आई अलोंग बाई इक्वल टू कितना, वी ओ अलोंग, है ना। अब बताओ यहां गौर से देखना, छोटा सा पॉइंट है। तो ये बाई जो था वो क्या था, मिरर कौन सा प्लेन था, बाईजेड, कौन सा प्लेन, बाईजेड। तो बाई कोऑर्डिनेट में किसी तरह का कोई चेंजिंग
नहीं होगा, ना आपका जेड कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, ना बाई में ना जेड में। तो बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर जेड की ओर लिखना है तो क्या आएगा, इतना ही आएगा, आप निकाल के देख लेना, आप निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा। तो यहां से सीखने को क्या मिला कि जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल है वो आपका, यानी आपका जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन किसके लिए, जो पैरेलल है, जो पैरेलल है, और किसका पैरेलल है, तो मिरर का पैरेलल है। किसका पैरेलल है, मिरर का, यानी पैरेलल है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग किस में होता है, तो अभी बताए थे किस में चेंजिंग हुआ था, तो परपेंडिकुलर में, किस में, परपेंडिकुलर में, पैरेलल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। चलिए हो गया। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पर, थ्योरी खत्म हो गया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल बनाओगे तो जहां जहां थोड़ा थोड़ा है ना तो थ्योरी में दिक्कत होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। ये थ्योरी हुआ, यानी यहां से ये सीखने को मिला कि जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो पैरेलल परपेंडिकुलर होता है चेंजिंग सिर्फ इसमें होता है। तो देखो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर टू देखो, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर टू, पहले ये बताइए क्वेश्चन दिख रहा है, चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलो यहां ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का क्या करना है, गौर से देखिए क्वेश्चन का क्या करना है। फ्रॉम फिगर को, फिगर में दिखाया गया है ए प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, यानी फिगर में दिखाया गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो मिरर है वो एक दूसरे की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अभी तक जो हम पढ़े थे उसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट मूव करता था, मिरर मूव नहीं करता था। यहां ऑब्जेक्ट भी है और मिरर भी है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी। वहां देखो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 रूट
टू, देखो कितना दिया हुआ, फिगर बनाते हैं यहां पे, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, तो 20√2 है ना, यूनिट नहीं लिखे तो चलो यूनिट भूल गए होंगे, मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पर, तो 45 डिग्री पर, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर, और मिरर कितने से मूव कर रहा है, 10√2, कितने से, 10√2, और कितने एंगल पर, 45, कितने एंगल पर, 45, ध्यान दीजिएगा, मिरर जो है आपका क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से था, तो 10√2, कितने एंगल पे था, तो 45, कितने एंगल पे, 45, क्लियर। और आपसे पूछा क्या, ये बताओ वेलोसिटी ऑफ द इमेज, क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, चलिए आप बनाते हैं इसको, पहले ये बताइए फिगर बन गया, देखो यहां पर समझने का कोशिश करना, चलिए अमित कुमार बन गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको थ्योरी का यूज करने के लिए सिखाते हैं कैसे यूज होता है, तो बाबू ये देखो 20√2 है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ोगे, कंपोनेंट तोड़ोगे, याद है, देखो बताते हैं वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है, कितना है, वेक्टर ए है, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो हमने बताया था कि जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कॉस थीटा, उधर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, परपेंडिकुलर साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, यानी जिसका कंपोनेंट तोड़ा जाता है उधर कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, तो बताओ इसका कंपोनेंट कितना होगा, 20√2 कॉस 45, यहां बताओ कितना होगा, 20√2 साइन 45, यस या नो, क्लियर है, चलो यहां देखो ये कितना है, 10√2, तो जिसके साथ एंगल, जिसके साथ एंगल उधर cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, 10√2 cos 45, और इधर बताइए 10√2 sin 45, यस या नो, यस या नो, चलो अरे भाई जीरो होगा कि क्या होगा पहले देख तो लो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है ना, अगर इतना आसान क्वेश्चन होता तो हमको अलग से आने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, चलो थोड़ा से याद तो करो, यहां देखो तो मिरर ये हुआ ना और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी हो गया, 2, एक इधर और एक इधर, तो ये जो वेलोसिटी है वो मिरर के पैरेलल है ना, ये वाला मिरर के पैरेलल है ना, तो जो मिरर के पैरेलल होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, चलिए आगे देखिए, तो यहां देखो ये यहां पे cos 45 का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ, 1/√2, तो लगता है कि √2√2, यानी ये 10 आएगा, तो ये भी कट करके भी 10 आएगा, ठीक है, इसी ढंग से cos 45 ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी आपका ये वैल्यू कितना आया, तो इधर आया 20,
कितना आया 20, इधर भी कितना आ जाएगा आपका 20, यहां कितना आएगा ऊपर 10 और इधर कितना आएगा तो 10। नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो फिगर में क्लियर है या दिक्कत है? ठीक है, और देखो यहां पे क्या करना है, देखो क्या दिक्कत है जो बताते हैं। अब पढ़े हो वी आई परपेंडिकुलर बराबर कितना माइनस वी ओ परपेंडिकुलर कंसेप्ट पढ़े हो ना, प्लस टू वी एम परपेंडिकुलर पढ़े हो। एक चीज आप बताइए तो, यहां पे कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, वाई जेड कोऑर्डिनेट है, जेड एक्स कोऑर्डिनेट है, नहीं ना? तो अगर हम वहां से रट्टा मारेंगे तो फंस जाएंगे। और आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आप किसी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि भाई वही डाटा आएगा, वही ऑप्शन आएगा, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां देखो ना एक्स वाई प्लेन है ना वाई जेड प्लेन है, सीधे मिरर दिया है। ठीक है, और देखो तो हमने क्या बोला कि जो मिरर के पैरेलल होगा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, और जो मिरर के परपेंडिकुलर होगा, यहां देखो तो यहां बताओ मिरर का परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो यहां देखो तो आपका ये वेलोसिटी देखो फिगर, यहां देखो रफली मिरर और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर कितना आया 20, ऊपर कितना आया तो 20 आया ना, मिरर का इधर कितना आया तो 10, ऊपर कितना आया तो भी 10। क्लियर? तो ये आपका फाइनल फिगर है रिजल्ट वाला। तो यहां देखो ये मिरर जो आपका है इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना है 20, कितना है 20, और किधर है भाई तो राइटवार्ड है, किधर है राइटवार्ड है तो प्लस होगा, किधर है ना राइटवार्ड है तो क्या होगा प्लस, तो क्या लिखोगे बताओ? ये तो माइनस पहले से वी ओ कितना आया है 20 प्लस टू वी एम मिरर का कौन सा वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है, ये भी 10 है ये भी 10 है ना, तो लेकिन ये वाला वैल्यू सेम है तब ना, अलग अलग होता तो कौन ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 10, लेकिन एक चीज बताओ ये किधर है तो लेफ्ट वार्ड है, किधर है लेफ्ट वार्ड है, तो भाई राइट वार्ड को प्लस माने हो तो लेफ्ट वार्ड को क्या मानोगे माइनस मानोगे, क्या मानोगे तो माइनस कितना 10 आया समझ में, तो कितना हो गया बताओ तो भी परपेंडिकुलर आपका इमेज का कितना आ गया माइनस 20 और माइनस 20 माइनस माइनस कितना हो गया माइनस 4, कितना हो गया माइनस 4। क्लियर है? और देखो अभी बताए थे कि वी आई पैरेलल वी ओ पैरेलल, यानी जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 20, ऊपर की ओर, ऊपर का कितना है 20, तो इमेज का भी कितना आएगा तो 20 आएगा, कितना आएगा 20, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट में जो मिरर के पैरेलल है, जो मिरर के पैरेलल है, निकल गया यहां से परपेंडिकुलर यहां से पैरेलल, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो होता है बाबू ध्यान रखना ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी इमेज परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका, तो बताओ चलिए कितना आया था
तो याद है वी आई परपेंडिकुलर आया था आपका माइनस 40 और वी आई पैरेलल आया था कितना आया था तो 20। तो इसका मतलब वी आई जो आएगा वो कितना जाएगा तो माइनस 40 आई कैप एक्टिव था ना, और ये आपका 20 कितना जे। अब यहां से पूछेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो अंडर रूट आई का गुणांक का स्क्वायर और जे का गुणांक का स्क्वायर, क्लियर सॉल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। अगर आपसे एंगल भी पूछ दिया ना तो आपका यहां कितना जाएगा देख लो, ये तो बहुत आसान है ना, 1600 ना और ये 400, 2000, 2000 को हम लोग लिख सकते हैं 400 गुना 5, 400 का कितना होता है 20 है ना, तो इसका आंसर आएगा 20√5 बन गया, कितना आएगा 20√25 है ना, 20√5 मीटर पर सेकेंड आया ना। अब बताओ जो हम लोग क्लास में पढ़े थे क्या उससे ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो भाई सबका अलग है, अगर आपसे थीटा पूछ दे याद है टैन थीटा जे का गुणांक बटा आई का गुणांक, जे का गुणांक बटा आई का गुणांक, एंगल भी निकाल सकते हो आप, एंगल भी निकाल सकते हो, चलिए ठीक है। तो चलो यहां तक नोट करो, इसको चलो जल्दी से नोट करो। तो देखो अगली बार से हम एक ग्रुप बना देंगे अच्छे बच्चे का जिनको पढ़ना रहेगा, क्योंकि इस ढंग से नहीं होगा, बीच में कोई बच्चे आते हैं और वो माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। अब वो शुरू से लाइव होगा नहीं, एक्टिव रहेगा नहीं, बीच बीच में टूकेगा, सर नहीं समझ में आया तो वो दिक्कत देगा। अब हम कुछ बच्चे का एक टीम बना देंगे, वही बच्चा आप करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बीच बीच में आएगा, फिर बीच में 2 मिनट लाइव आएगा, फिर 2 मिनट बाद आएगा, और उसको बीच बीच में आएगा समझ में नहीं आएगा है ना वो, और आपको क्या करेगा लाइव के माहौल को खराब करेगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। पैरेलल 10 नहीं, मिरर वाला नहीं ना, आपको क्या बताए थे ऑब्जेक्ट के पैरेलल, देखो ना ऑब्जेक्ट पैरेलल, तो ऑब्जेक्ट पैरेलल कितना है 20 है बाबू, 10 कहां से आ जाएगा, 10 तो मिरर वाला है। यहां देखो ना कंसेप्ट क्या करा है, ये कंसेप्ट देखो ना, कंसेप्ट क्या करा है ये बताओ, यहां कंसेप्ट करा है कि इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो ऑब्जेक्ट के पैरेलल के बराबर, तो ऑब्जेक्ट का पैरेलल क्या है कितना 20 है ना, मिरर के पैरेलल कौन सा है 20, तो 20 लिखे।
चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट लाइन, देखो क्लियर कर लो। लास्ट लाइन क्या था नोट करो। चलिए हो गया ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाओ तो जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो जल्दी से आप बना के दिखाओ, कितना फास्ट बना सकते हो आप। चलिए बनाइए तो इसको। आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, जल्दी से बनाइए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको बना लो, उसके बाद आगे देखते हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ऑब्जेक्ट साइड कुछ नहीं लिखा हुआ है, 10√2 है, 10√2, और आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये 45 डिग्री एंगल है। न
ना क्लियर तो दिख रहा है बापू, वो भी 240 ग्राम देख रहे हैं, 360 किए भी नहीं अभी। बनेगा शुभम रूट अंडर 43। ये हिंदी वाला बैच नहीं चल रहा बाबू, ठीक है। अब इतना का हिंदी अब खोज, वाह महान हुआ। चलो अब देख लो, हम थोड़ा देख लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखना थोड़ा सा यहाँ पे देखो कैसे ये बनता है क्वेश्चन विद इन सेकेंड। इसका कंपोनेंट तोड़ोगे कितना आएगा ये बताओ, 10√2cos45 आएगा ना, ये कितना आएगा बताओ, 10√2sin45। cos45 मतलब 1/√2 कैंसिल ना, यानी ये हो गया आपका 10 और ये भी कट करके कितना 10। यहां बताओ कितना हो जाएगा ये 6 cos 60। cos 60 का मान बताइए तो 1/2। cos 60 का मान 1/2, यानी कितना आ जाएगा 3। कितना आएगा 3। और यहां कितना आ जाएगा बताओ ऊपर, 6 sin 60। sin 60 का मान √3/2, यानी कट करके कितना 3, यानी ये आ जाएगा 3√3। आया ना, इसका मतलब ये हुआ। हम अगले फिगर में जाते हैं तो अगले पेज में देखो क्या होगा, यहां गौर से देखना अगले पेज में क्या हो रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इधर इसका वेलोसिटी कितना हुआ था 10, है ना, और इधर भी कितना आया था 10। आया ना, और इसमें क्या हुआ था कि ये आया था आपका 3, कितना आया था 3, और ऊपर कितना आया था 3√3। हो गया फिगर बढ़िया, ठीक है। और क्या बताए थे कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट क्या बताए थे कि वी आई परपेंडिकुलर जो होता है वो माइनस वी ओ परपेंडिकुलर प्लस 2 VM परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। तो यहां देखो तो वी आई परपेंडिकुलर, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है परपेंडिकुलर, तो 10 ये भी है 10 ये भी है तो 10 होगा, क्लियर। प्लस 2 मिरर का परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है, यहां देखो ये अलग अलग है, ये 3 है, ये 3√3 है, ये 3 है, ये 3√3 है, कौन सा वैल्यू ले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है तो 3, लेकिन क्या होगा माइनस 3। क्यों लिखे माइनस, क्यों माइनस लिखे, क्योंकि लेफ्ट साइड है, क्या है लेफ्ट साइड है तो माइनस होगा। तो कितना लिखोगे बताओ, वी आई परपेंडिकुलर बराबर कितना -10 -6, कितना आया -16 आया। और क्या बोले थे कि पैरेलल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, पैरेलल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो बताओ इमेज का
पैरेलल वैल्यू कितना होगा ऑब्जेक्ट के बराबर, तो ऑब्जेक्ट का पैरेलल कितना 10, तो कितना हो गया, कोई दिक्कत। और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया थे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल के बराबर होता है, ठीक है। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना आया है, परपेंडिकुलर कितना आया -21, और किधर इसको x मान रहे हो ना, किसको मान रहे x, तो यहां पे कितना होगा -16 आई कैप और प्लस 10 जे। इसका मैग्नीट्यूड निकालो अंडर रूट आई का गुणांक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और यहां बताइए कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 296 होता है क्या, हाँ 16 × 16 बराबर 256, 256, और ये कितना होता है 100, क्लियर। यानी आपका कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी प्लस तो है ना, प्लस 100, यानी कितना हो जाएगा ये बताओ, रूट अंडर 356 आएगा ना, 356 यहां पे देखो तो 356 लगभग 18 आ रहा है, यानी 18.86 क्लियर, 18.86 आया, तो ये इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज है, बन गया। अब भी दिक्कत है, दिक्कत है, चलो और क्वेश्चन बनाओगे, बहुत टाइम हो गया, 9:30 बज गया, ठीक है। क्वेश्चन तो हम आपके लिए बहुत लेके आए हैं, जल्दी से नोट करो इसको, देखो थोड़ा मेहनत करोगे, एक्टिव रहोगे, क्वेश्चन बनेगा। अब आप सोचोगे कि भाई कि एकदम आए और पूरा का पूरा समझ में आ जाए, जब इतना आसान मेडिकल और इंजीनियरिंग होता तो सब लोग नहीं कर लेते। अब लेवल भी हाई चाहिए, बर्दाश्त भी नहीं करोगे तो कहाँ से काम चलेगा। जो बच्चा रेगुलर लाइफ बना रहा, क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन और देंगे और क्लियर होगा। अरे वो तो प्रैक्टिस पे परफेक्टनेस आता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियरेंस होगा। और इस बार हम कुछ अच्छे बच्चे का टीम बनाएंगे, है ना, जैसे जनरल असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो सबके लिए वो होगा, लेकिन ऐसे कंसेप्ट देंगे तो हम उसी बच्चे को रखना चाहेंगे जो बच्चे एक्टिव है, ठीक है। जो बच्चे एक्टिव है उन्हीं का हम ग्रुप बनाएंगे, यानी उनका लिंक उस स्पेशल ग्रुप में जाएगा, ठीक है, उनके लिए हम स्पेशल ग्रुप बनाएंगे। चलो हो गया ना, इसको जल्दी से नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो,
कब तक पढ़ाइएगा? आप तो घर पे हो, हम तो बाहर आया है, आपसे ज्यादा टेंशन तो मेरे को है ना। हाँ आप तो घर में बैठे हो, हम तो भाई सेंटर पे है, घर पे जाना है, पैदल जाना है, वो भी अकेले जाना है, और आप लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो गए, सुबह से हम क्लास ले रहे हैं। चलो अच्छी बात है। नहीं बाबू, गरीब आदमी साइकिल मोटरसाइकिल नहीं है, पैदल आते हैं, तेल का खर्चा नहीं जुटता है तो क्या करे। एक्चुअली वहां पे नाला बनता है बाबू, इसी काम से अभी थोड़ा एक महीने से हमारा, देखते हो गए मॉर्निंग बैच में पैदल आते हैं, ठीक है, इसी कारण तो कहीं घूमने नहीं जा रहे, मेरा गाड़ी पैक है, फोर व्हीलर सारा कुछ पैक है, इसी कारण हम बैठे हुए हैं तो पढ़ा देते हैं, संडे वनडे कुछ भी पढ़ा दे, निकल ही नहीं पा रहे। अब यहाँ भी बैठे रहो, फ्लैट पे बैठे रहो, यहीं बैठ के पढ़ा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको, सॉरी देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन हम लाए थे हम आपके लिए, लेकिन आज थोड़ा टाइम हो गया, कम से कम समझाना होता है तो थोड़ा समय लग जाता है। देखो ये बहुत ही अच्छा आपका कहां गया क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लाए, देख लो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना बनाना है तो घर पे बनाना, ठीक है, थ्योरी दे दिए घर पे बना लेना, ग्रुप में अभी आज नहीं भेज पाएंगे, ग्रुप पे भेजेंगे तो कल भेजेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में हम भेजेंगे तो कल भेजेंगे, आप क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। ठीक है चलिए इसके बाद देखो ये क्वेश्चन ये भी है, ये भी देख लो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 इसका फिगर इधर है बाबू, सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो नया लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है, चलिए हो गया ना, एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो अभी आपका सबसे लेटेस्ट आपका बढ़िया क्वेश्चन चलेगा वो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक का यही है, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आना होगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको जरूर बना के सबमिट करना व्हाट्सएप पे, इसको बना करके जल्दी से सबमिट करो व्हाट्सएप पे, देखते हैं आप कितने एक्टिव हो। हमने बताया था कि आप जितना मेहनत करोगे उससे डबल हम मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत करोगे तब तो।
आज हम इतने देर तक इसको बताए हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन हमारे फ्लैट पहुंचते पहुंचते बंद करके पहुंच जाना चाहिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आपको बना के भेजना है, ठीक है। चलिए आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अपलोड हम कर देंगे, बाद में एक बार आप रिवाइज कर लेना, कि कहीं पे अगर डॉट रह गया है तो वो रिवीजन करोगे, पक्का क्लियर होगा, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को तोड़ा है। बीच बीच में आपका लिंक जो छोड़ता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो भाई नेट पैक बचा के रखो। अब दिन में व्हाट्सएप और फेसबुक चलाओगे तो रात में क्लास में डिस्टर्बेंस तो आएगा ही, है ना। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। गुड नाइट, नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं। हाँ, और आपको ये भी कहना चाहेंगे, जो संडे को 23 मॉर्निंग बैच का 7 से 9 है ना, तो उस बैच में आपका ऑब्जेक्टिव भी डाला गया है, 30 क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव है, कुछ प्लेन मिरर, कुछ स्फेरिकल मिरर और कुछ रिफ्रैक्शन का। वो क्वेश्चन का जो लेवल है बाबू, वो बिहार बोर्ड है, और उसपे कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। जिस तरीके से एग्जाम में एग्जाम होता है ना आपके कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, वही पैटर्न पे आपका होगा, यानी एक बेंच पर एक बच्चा। समझ में आ रहा है, हम दूसरे सेंटर का व्यवस्था कर चुके हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको, आपके लिए हम आया, अभी भी लगे हुए थे, क्वेश्चन टाइपिंग हो चुका है, कॉपी छपने के लिए भी दे चुके हैं, ठीक है। तो आपका टेस्ट होगा, आप अपने आप को तैयार रखोगे। चलिए ठीक है, गुड नाइट। कल छुट्टी है बच्चों से।